प्याज के आंसू से जनता हुई बेहाल। जी मौजूदा में इस वक्त सब्जी मंडी में जहां पर प्याज के रेट इतने हाई हो चुके हैं, हालांकि सब्जी इस मंडी में नहीं पूरे क्षेत्र में जो सब्जी के प्याज के भाव है वो हाँ आसमान छू रहे हैं। हम बात करेंगे एक ग्राहक से जो अभी प्याज लेने आए हैं, उन्हें देखेंगे कि वे क्या प्याज लेते हैं या और उनका कुछ मन है। जी आपका नाम? नाम अंकुर कुमार। अच्छा अभी आपने देखा कि आप प्याज लेने आए थे और आपका मन अभी बदल गया, आप आलू ले रहे हैं, क्या हुआ? प्याज काफी महंगे पैसे बढ़ते जा रहे हैं और थोड़े है ना कम होने चाहिए। अच्छा मतलब आप अभी देख रहे थे कि प्याज के बाप ने भाव पूछे, आपको लगा कि महंगे है, आप घर से क्या सोच कर चले थे कि कितने प्याज लेकर आएंगे? कम से कम 1 किलो तो लेनी है। और अब आपका क्या मन बना? मन बस अभी कैंसिल हो गया फिर। जी जैसा मैंने अभी ग्राहक से बात की, कह रहे हैं कि मैं घर से 1 किलो प्याज लेने का मन बनाकर चले थे, लेकिन इस प्याज के भाव देखकर सिर्फ 1 किलो ही नहीं कुछ भी नहीं ले पाए। जी बने रहिए, हम आपके साथ ऐसे ही कुछ ग्राहकों से बात करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। हम आ गए इस टाइम एक प्याज के गोदाम में जहाँ पर प्याज ही प्याज है और हम अब बात करेंगे गोदाम मालिक से, क्या प्याज के इस सुर्खियों में जो आए हुए हैं उनके क्या रेट चल रहे हैं और क्या इनके भाव है। जी जी आपका नाम? अजय कुमार जी। इस गोदाम के मालिक आप? हाँ जी। क्या अभी आपने देखा, देख भी रहे होंगे कि प्याज पूरी सुर्खियों में है, भाव भी आप आसमान छू रहे हैं, क्या कारण है और क्या इससे जनता खरीद रही है? बिक्री खत्म है, बिक्री नहीं है, महंगाई की वजह से बिक्री नहीं है। कितनी आप प्याज बिक जाती है भाई? 100-150 कट्टे रोज बिक जाते हैं, 20-30 कट्टे भी नहीं हो रहा काम। ग्राहकों का किस तरह का मन बना रहता है? हम लोग इतने मन भी होगी लेंगे नहीं तो नहीं। गोदाम मालिक का कहना है कि प्याज महंगे होने के कारण ग्राहक भी अपने जो प्याज खरीदने आते हैं वो अपने घर वापस लौट रहे हैं और जो प्याज महंगी हुई है, जो 150 कट्टे बिका करते थे अब ज्यादा से ज्यादा 20 ही बिक रहे हैं। जी बने रहिए मेरे साथ, मैं गोपी सैनी मुजफ्फरनगर।